शहर में अपराधों पर लगाम लगाने में फेल हो रही कोतवाली पुलिस अब निर्दोषों पर जुल्म ढा रही है। शुक्रवार को शहर के टोरिया मोहल्ले में एक दलित परिवार के घर में घुसकर पुलिस ने पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा। इस परिवार का कसूर बस इतना था कि उसने अवैध शराब बेचना बंद कर दिया था, जिसके चलते पुलिस को वसूली का रुपया मिलना बंद हो गया था। जब आप इस परिवार का दर्द सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक टोरिया मोहल्ले में डॉक्टर MPN खरे के पुराने मकान के पास प्रभु दयाल अहिरवार का परिवार रहता है। प्रभु दयाल के लड़के कभी शराब बेचा करते थे, लेकिन अब तक उन्होंने ये काम बंद कर दिया था। इसके बाद अचानक शुक्रवार को पुलिस बिना सर्च वारंट के इस परिवार के घर आ पहुंची। जब मकान में शराब का नामो निशान तक नहीं मिला तो बौखलाई पुलिस ने परिवार के एक एक सदस्य की धुलाई कर डाली। इतना ही नहीं, परिवार की सीनियर महिला सदस्य को तो पुलिस जबरदस्ती अपने वैन में बिठाने लगी। इसी दौरान महिला का हाथ भी रिक्शे में लगकर कट गया, जिसे लहूलुहान और गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस वहां से रफू चक्कर हो गई। इस दौरान घायल महिला ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरी घटना के बारे में बताया और साथ ही ये बताया कि ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी पुलिस इनसे वसूली लेने आ चुके हैं। क्या हो गया मैडम? दो फूल वाली मैडम है, दो जनी थी, उनने मारा है। पुलिस वाला रूपेश था, रूपेश ने मारा, क्यों मारा? पकड़ लिया कि हमारे अंदर घुस गए, तो हमने की काट बताओ मैं कैसे अंदर कैसे घुस रहे। तो पूरे घर की तलाशी लाई, कुछ नहीं मिला, तो मानने लगे। वो कह रहे कि और सो कह रहे था आपके यहाँ दारू बिकती है। तो हमने की देख लो ना, हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं मिला है। कितने लोग घायल हुए? और पहले जी पैसे लेते रहे। कितने लोग घायल हुए? कम से दो देवर है हमारे और सो दो तीन लड़का है हमारे, सबको मारा। वही इस परिवार के पड़ोसी ने भी इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में वो लोग अवैध रूप से शराब बेचते थे, लेकिन जब पुलिस ने रुपयों के लिए ज्यादा परेशान किया तो 6 माह पहले ही उन्होंने इस काम को बंद कर दिया था। आपका? मेरा नाम आदित्य वाल्मीकि है। जी भैया, क्या हुआ आपके साथ? ये हमारी चाची है, मोहल्ले की रहने वाली है जी। अचानक इनके घर में पुलिस आई जी और खोजबीन करने लगी। इन लोगों ने रोका, पूछा कि भैया क्या बात है, क्यों आते? तो इन लोगों ने मना किया। इन लोगों ने उनके घर के सारे लोगों को मारा पीटा, उसमें दो महिला पुलिस वाली थी और एक रूपेश नाम का पुलिस वाला भी था। और इनके बाल पकड़ के लाठियों से मारा, फिर घसीटते हुए इन्हें रिक्शे में ले जाके इनको रिक्शे का सरियन को हाथ में लग गया, जिससे इनके हाथ में टाके आने वाले हैं, बहुत गहरा घाव इनको आया है। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग 5-6 लोग थे पुलिस वाले। क्यों मारपीट की उन्होंने? उन लोगों ने घर में घुस के दारू की धमकी दी कि आपके यहाँ दारू बिच रही है, जबकि घर में ऐसा ना कोई सबूत मिला है ना कोई दारू मिली है, लेकिन फिर भी वो बोले पैसे चाहिए। इन लोगों ने मना किया तो उन लोगों को मारने के लिए जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। खैर, पुलिस की ऐसी अमानवीय और शर्मनाक हरकत के बाद एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखना होगा इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। आप लोग सब लोग थे आप लोगों के आंगन के सामने बैठो था तो कहो तो आपसे आपके आपके साथ मारपीट भाई का? आपको किसने मारा? रूपेश ने। क्या कह रहा था आपसे? फोन लगा, हम बात कर रहे थे, बस हवा के मार लिया। जी पुलिस की गुंडागर्दी बहुत चल रही है टोरिया मोहल्ला में। चल रही है? हमारे दो लड़कन को सुनो मारो तो उन्हें लस्त कर दो, मार मार के घुसे के ले गए गाड़ी जबरदस्ती।